कल आप सभी ने देखा कि इस विशाल सेवादल रैली में सभी महापुरुष व बहनें जात धर्म व अन्य सामाजिक उपाधियों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में अर्पित दिखे। सतगुरु के आशीष के पात्र बनते हुए इन सभी ने अलग अलग तरीकों से सेवा के ही भाव को दर्शाया। इसी के साथ इस असीम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल का हर कोना सेवा के भाव से ही सुसज्जित दिखा। आज इस समागम के दूसरे दिन जहां सुबह सेवा दल रैली का भी हमें देखने का अवसर मिला, तो वो सब जब भावनाएं देखी और कैसे कि सेवा दल की वर्दी में सब सजे हुए उन्हीं भाव को कि जो इतने समय से हमारे मिशन में ये वर्दी सिर्फ एक वस्त्र के रूप का प्रतीक नहीं है, पर वो एक अपने आप में ही एक भाव है जो हर एक गुरसिक में है, चाहे वो वर्दी पहनते हों या वो आम कपड़ों में आज सत्संग अटेंड करने आई आप संगत हैं। तो हम सबका भी जहाँ ये कर्तव्य है कि हमारे पास वो एक चॉइस है, हम चाहे दिखते सब इंसान के चोले में हैं पर हैं तो रूहें जो इस परमात्मा का अंश हैं, और हमारा जो एक बोलते हैं जैसे साधारण भाषा में कि अगर हमारा कपड़ा एक जो होता है जिससे हम कुछ भी सिल सकते हैं, तो वो रूह तो हमारी ये परमात्मा ही है, ये निरंकार का ही अंश है, तो गुण भी वही होने चाहिए जो हमको अब इस शरीर में आए हैं। तो अपने आप में वो जहाँ और कार्यों में हम ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और अपनी रूह पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उसको जहाँ निखारना है, उसको अपना असली एक पहचान से रूबरू कराना है, तो वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा जहाँ हमारे जीवन में वो भी आए और उसमें भी उसकी कदर डलती रहे और कैसे हम अपने आप को और निखार सकें। आइए संत निरंकारी मिशन के 72वें संत समागम के तीसरे दिन की शुरुआत इस मनमोहक व शिक्षा प्रद प्रदर्शनी से करते हैं। जहां एक ओर ये मिशन का 90 सालों का मनमोहक इतिहास दर्शा रही है, वहीं लाखों के इस मानव परिवार को एक सजग जीवन जीने की प्रेरणा भी दे रही है। इस समय हम निरंकारी प्रदर्शनी के अंदर खड़े हैं और इस वर्ष का जो हमारा थीम है संत निरंकारी मिशन के 90 बरस सत्य प्रेम एकत्व, और यही मानव मात्र को हम 90 बरस का इतिहास दिखा करके अपने मिशन की बढ़ोतियाँ मिशन के कार्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी में लगभग 1500 सेवा दल के जवान लगे हैं और हमारे वर्कर जो है वो भी 200-250 वर्कर 2 महीने से यहाँ पर इस कार्य को संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इसे देखें और मिशन के इतिहास की जानकारी को प्राप्त करें। इस बार हमने हमारी 5 पातशाहियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कुछ सीक्वेंसेस दर्शाने की कोशिश की है। बाबा बूटा सिंह जी ने चीज़ों का भाव होते हुए भी इस ब्रह्म ज्ञान को चारों तरफ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उधर बाबा अवतार सिंह जी जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु होते हुए भी सत्संग को जारी रखा और सहजता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और उसके आगे बढ़ाते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैसे वर्कशॉप में स्वयं काम करते हुए अपनी जीप्स को सस्ती जीपों को अपने प्रचार के रूप में कैसे उसको प्रयोग किया और इस प्रचार को रुकने नहीं दिया। और अगर हम आगे बढ़ें तो बाबा हरदेव सिंह जी जिन्होंने इस मिशन में इस मानवता एकत्व और वननेस के भाव को पूरे विश्व में फैलाया स्थापित किया और मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहे। माता सविंदर जी जिन्होंने कितने मुश्किल समय में भी अपने शरीर को स्वस्थ ना होते हुए भी मिशन को कैसे संभाला, उस प्रचार को प्रसार को आगे बढ़ाते रहे। बाल प्रदर्शनी 2019 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 72वें सालाना संत समागम का जो थीम है 90 ईयर्स जर्नी ऑफ निरंकारी मिशन, तो बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया और 90 ईयर्स का बच्चों ने कुछ ऐसा एसेस किया, 9 के आगे अल्फाबेटिकल टी लिखकर उसको 90 का दर्जा दिया। 9 मीन्स 9 एलिमेंट्स और टी मीन्स ट्रुथ यानी कि फॉर्मलेस निरंकार, और दुनियावी तौर पे भी उन्होंने मैसेज दिया। जैसे सरकार का आदेश आया था कि नो टू प्लास्टिक,
तो बच्चों ने स्पिरिचुअलिटी में कहा कि नो टू नफरत निंदा। एक बच्चों ने मिलकर एक एनिमेशन बनाई है जिसका नाम है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। तो एक मैसेज उन्होंने ये भी देने की कोशिश की, पॉल्यूशन मन का हो या बाहर का, दोनों ही हानिकारक हैं, हमें दोनों ही दूर करने हैं। तो इसी तरह से और कई मॉडल्स के रूप में उन्होंने समझाने की कोशिश की, और यही अरदास है सतगुरु के चरणों में, ये बच्चे जिस जोश से, जिस एंथुजियम से लगे हुए हैं, कि ऐसा ही उनका जज्बा बना रहे और बढ़ चढ़ कर आगे भी आने वाली एग्जीबिशन में हिस्सा लेते रहें। स्टूडियो डिवाइन में आपका स्वागत है, और आज इस साल हम 90 वर्ष के इतिहास को छोटी छोटी प्रस्तुतियों में आपके सामने लेकर आए हैं, और इसमें कोशिश यही कि उनकी शिक्षाओं को हम याद कर सकें और उनकी शिक्षाओं के साथ जीकर सीखते हुए अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस पूरी टीम में यहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चे जो सामने आपकी सेवा कर रहे हैं, वहीं कैमरे के पीछे बनाने में एक अंथक प्रयास बहुत सी टीम मेंबर्स के थे, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर्स हों या एनिमेटर्स, बहुत सारे लोगों ने म्यूज़िक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी, और इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए इस सारी प्रस्तुतियों को आपके सामने लाए हैं। 24 घंटों में से कम 22 घंटे यहाँ पे लगातार शो हो रहे हैं, और एक साथ हजारों महापुरुष वो प्रोग्राम्स देख पा रहे हैं और यहाँ से शिक्षाएं लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ ये निरंकारी प्रदर्शनी जीवन के हर पहलू को बखूबी दर्शा रही थी, वहीं ये कायरोप्रैक्टिक विभाग हर साल की तरह निःशुल्क अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा था। और जब इनसे इस समर्पण का कारण पूछा गया तो कुछ ऐसे भाव सामने आए। Hi, I'm Dr. Rachel Knopf. I'm a chiropractor from California in the USA. My name is Dr. David. I am originally from California, practicing in Italy. I'm Ash from Anchorage, Alaska, all the way in America. My name is Dr. Henrik Saliam, and I'm here for the first time. So it is a pleasure to be here at the Samagam, to have been invited by Mataji and the medical dispensary and the chiropractic team here. It's been a wonderful experience to be able to reach out and help. One of the greatest things that has been said is to love the God, Lord your God, with all of your heart, your soul, your mind, and your strength. We're here for one reason only, it's to connect to oneness, okay? So we're reconnecting people back to source, and it's been really, really humbling. This is an amazing, amazing opportunity and experience for me to experience all the selflessness and all the joy and all the happiness that people come in, and all the truthfulness and the oneness that I experience with everyone else. And we love it. Our school motto is give, do, love, serve, and this mission is pretty much goes hand in hand with that. Doing the mission trip at this place, and it's been very humbling. So many thanks, and we are very lucky to be blessed to be able to serve here. So I feel very grateful about this, and very grateful to be able to help all these people, because they're grateful and they really like our service, and by helping them we receive so much gratitude. It's absolutely wonderful. It has been wonderful to be here to help so many people. We've seen amazing things, amazing miracles, and I think this place is a setting, a role model and a standard for humanity. Just very thankful for this opportunity to help and to serve people. And we are honored and delighted to be here, and many blessings to everyone. Thank you. And Nirankari ji. इस कायरोप्रैक्टिक विभाग से कुछ ही दूर ये रिहायशी टेंट भी थे, जहां हर प्रांत, शहर व गांव के संत महात्मा प्रभु को याद करने में लीन थे। गुरु नाम को रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। गुरु
गुरु मने खोट कदी बोलाय च नाही गुरु मने खोट कदी बोलाय च नाही खोट बोलताना कपट रचताना खोट बोलताना कपट रचताना गुरुजी अनुमति घेसिन का सतसंग झाल्यावर निरंकार म्हणशील का और समर्पण के यही भाव दूर देशों से आए इन महात्माओं से भी श्रवण करने को मिले. As you can see all around here, we've all gathered to celebrate this mission, Sant Nirankari Mission, in 90 years. Coming here, I see this new optimism and this unprecedented enthusiasm amongst each and every saint around me. The message of our mission is very simple, self-realization through God-realization. It's not a new message. That message has been time immemorial. I think every sage, every true saint, every Satguru, every truthful preacher out there has taught truth, love, and oneness, unity of mankind. Mappers are saints from all over the world, different nationalities, Canada, America, New Zealand, Australia, all over Europe, all over Middle East, all over Asia. And we're here to celebrate that same truth that has changed our lives, that has made us a different person, that has enhanced our lives and taken us only forward. And this message that has been timeless in all ages is a key foundation stone upon which this mission is built. Today, Her Holiness Sadhguru Mataji also emphasized that when we talk about the mission, when we refer to the mission, simply it is Brahm Gyan. It is this Brahm Gyan, this eternal truth, this truth and knowledge, which gives us an awareness of ourself through realization of the true Nirankar, this God, this Almighty. Everywhere I go, I see the spirit of Seva, Simran and Satsang instilled in each and everyone. In all ages, through these 90 years, the mission has propagated the truth, this truth of oneness, this truth of peace, this truth of bliss which comes from knowing the all-pervading one Nirankar, this all-creator. तीसरे दिन के इस मनमोहक दृश्य में जहां सेवा है, सद्भाव है, समर्पण है, वहीं इस सत्संग पंडाल में इस पार ब्रह्म परमात्मा की उस्तत भी है. तू ही निरंकार करी जा, गाई जा गीत ऐसे दे गाई जा ऐसे नू कर पल पल चेते ऐसे नू कर पल पल चेते दिल विच खूब वसाई जा दिल विच खूब वसाई जा दिल विच खूब वसाई जा तू ही निरंकार करी जा तू ही निरंकार करी गुण गाई जा ए पाक विए बे अंत विए गाई जा गुण गाई जा ए पाक विए बे अंत विए गाई जा गुण गाई जा ए पाक विए बे अंत विए गाई जा गुण गाई जा ए पाक विए बे अंत विए जाप करी जा जाप करी जा ए मालक भगवंत विए जाप करी जा जाप करी जा ए मालक भगवंत विए
ए मालक भगवंत विए तू ही निरंकार करी जा तू ही निरंकार करी जा पहुंचाणाए सुदीक्षा सतगुरु दे वचन असी मन दे जाणाए सुदीक्षा सतगुरु दे वचन असी मन दे जाणाए मिशन दे संदेश नु कर कर पहुंचाणाए मिशन दे संदेश नु कर कर पहुंचाणा है बाबा बूटा सिंह जी ने जो बूटा लाया सी बाबा बूटा सिंह जी ने जो बूटा लाया सी अवतार गुरु बचन ने एनु पानी लाया सी हर देव सविंदर सतगुरा अगे होर फैलाया सी ए नब्बे मिशन नाले नब्बे साल मिशन ना अगे होर बदाना है मिशन दे संदेश नु कर कर पहुंचाना है मिशन दे संदेश नु कर कर पहुंचाना है
ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕੱਟ ਕਟੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਕੱਟ ਕਟੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਜੀਵਨ ਸਜਾਉਣਾ ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੂਰਤ ਜੈਸੀ ਸੀਰਤ ਹੋਵੇ ਸੂਰਤ ਜੈਸੀ ਸੀਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਾਠ ਦਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਗਨੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਰ ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਝ ਸਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝੋ ਪਾਪਾ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪੈ ਮੇਗਲ ਬਰਸਤਾ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਦ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖਾਲਕ ਬਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਧਰਨ ਕੋ ਥਾਉਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਸਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਗਲ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਬੇਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਘੀਆ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੇਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆਟਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਜੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਤਲ ਲੈਂਦਾ ਅਗਨੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਫੁਲਕਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਵਕਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਅਲੋ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰਗੁਰ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਰੀਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁੜ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਿਭੇ। সাধু সঙ্গতজি, হিংসায় অহংকারে জগৎকে কাঁপিয়ে তুলেছে নিরাকার প্রভু পরমপিতা পরমাত্মা সৎগুরুরূপে প্রকট হয়েছেন, শান্তি স্থাপন করে ন্যায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে জগতের বুকে। যখন যখন ধরায় সৎগুরু অবতীর্ণ হন, পর উপকারেই করেন। সৎগুরু দিয়েছেন সমতা, একতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বোধ, জাতিবর্ণের যে ভেদাভেদের প্রাচীর নিমেষ করে দিয়ে
এক প্রভু পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়ে দিয়ে মনের সমস্ত ভ্রম দূর করিয়ে দিয়েছেন। সাধু সঙ্গজি, জাতিবর্ণের যে ভেদাভেদ আজকে সময়ের সদ্গুরু এসে মিটিয়ে দিয়েছেন। সৎসঙ্গজি, সদ্গুরু বলছেন যে যারে তুমি ক্ষুধা বলছো, ঈশ্বর বাহে গুরু বলছো, সে ভিন্ন নয়, একই সত্তা তোমাদের মধ্যে সম্বরণ করছে। সাধু সঙ্গজি সায়েন্সা অবতার সিংজি মহারাজ বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন তাই খাদ্য পানি, সবাই ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে, নামে কোনো বিধি নিষেধ নাই, নামধারীর কোনোই বন্ধন নাই, খাদ্য পানি এই দেহের জন্য, আত্মার সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নাই, শান্ত হৃদয়ে একদিন বসে কর বন্ধু এই সহজ বিচার, লোকসান কি তাতে তোমার পরনে ধুতি না সালোয়ার, তোমায় যেমন ভালো লাগে খাও দাও পোশাক পরো, উল্টা পাল্টা উপদেশ দিয়ে ঝগড়া বিবাদ নাহি করো, কহে অবতার আত্মসত্য মেলে ছাড়িলে সব মিথ্যা অভিমান, তৃতীয় পণ ঘৃণা না করো অন্যের অন্ন পান পরিধান। সৎসঙ্গজি এরো মোলতো পিকোলা এ সৎসঙ্গজি নো সাপেভো নিয়েন্তে e Satsangaji, quindi posso dire che questa è la mia prima volta e Satsangaji per ora l'ho trovato magnifico, è davvero bello pace, amore, fratellanza dappertutto. Satsangaji, oggi Mataji vuole che i giovani di oggi vadano avanti. Satsangaji, noi dobbiamo camminare verso la strada dell'amore, spalla contro spalla, mani nelle mani. Satsangaji, dopo NYS, il programma che è avvenuto in Inghilterra, la forza dei giovani è aumentata e ora siamo pronti per portare questo l'amore, pace e fratellanza in tutto il mondo. Satsangaji, la nostra missione è amore, pace e fratellanza e Satsangaji, quello che Mataji vuole è proprio che noi lo portiamo in tutto il mondo e Satsangaji è tutta responsabilità nostra insieme a quella di rendere felici gli anziani e tutte le persone che ci circondano. Satsangaji, io ogni domenica vado a Sangat e Satsangaji, lì ho sentito questa storia. Satsangaji, in una classe c'erano gli studenti e un insegnante. Satsangaji, la classe era divisa in coloro che vanno in Sangat e quelli che non vanno in Sangat. Satsangaji, un studente fa il proprio insegnante, ma che differenza c'è tra uno che fa Sangat e uno che non lo fa? Satsangaji, allora il giorno dopo l'insegnante ha convocato tutti gli studenti e li ha proprio divisi in coloro che vanno a Sangat e coloro che non vanno a Sangat. Our present Satguru is working so hard around the world to bring about oneness. I can only say all of us saints in the various bhavans around the world must give her absolute support. It's a very difficult task because as things grow, it needs more and more support. And people have said to me, because discussing it in the bhavan and also at my university, they said, how is that going to be possible? And yes, a very good question. And I go back to Christ, Jesus Christ, his Sermon on the Mount. On that sermon, he said quite distinctly, the meek will inherit the earth. It does not mean weak. It means strong and fully devoted to Nirankar. So we will get there, but only with the support of everyone here for our present Satguru. She will carve a path towards that long-awaited thing that Christ supported. And the main thing is, we don't know when it's going to happen, but it will happen, and we must work very hard
and also not only hard, but our full support for our Satguru, because she is just working so hard. I'm absolutely amazed. We must continue this work, not go backwards, forwards. Every single month we should move a few steps more. There's a lot of problems in the world today which need to be resolved. How they're resolved is a question of unity. But Satguru, I give you my full support, unconditional. I will work hard and do my level best to make this dream come true. Satsangji, we talk about bliss. We talk about bliss and bliss in every cell. Jisko hum rom rom ki khushi kehte hain. Satsangji, how do we get these blessings, these blissful blessings in our cells? Satsangji, you can know the difference between a person who is alive and a person who is passed away. It's very simple. The person who is passed away, it does not have an atma, but the person who is living has an atma. Now this atma has the ability to feel the bliss in every cell. That's what we call the khushi khushi, rom 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 mein khushi aati hai. So Satsang ji, when we say, which part of your body the heart dwells, wo kaun si jagah hai aapke sharir ke andar jahan atma basti hai? So Satsang ji, dhyan ye aata hai ke dil mein basti hai ya kahin aur basti hai, lekin Satsang ji, ye hakikat hai कि आपकी आत्मा हर एक रोम रोम में बसती है. दैट्स वेयर यू कैन फील. उसी जगह पर, उसी सेल में सत्संग जी आपको खुशी महसूस होती है जब इस निरंकार का सत्संग जी ज्ञान मिलता है. जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता, हम इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते सत्संग जी. जब ये ज्ञान मिल जाता है, तब हमें हर एक सेल में, हर एक रोम में सत्संग जी ये खुशी मिलती है. तो सत्संग जी, ज्ञान जब मिलता है और खुशी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सत्संग जी? वो सिर्फ सिंपल है कि हम सेवा, सत्संग, सिमरन करें. अगर हम ये भी नहीं कर पाते तो हमें खुशी प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी ज्ञान लेने के बाद भी, क्योंकि ज्ञान सत्संग जी एक प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस टूअर्ड्स हैप्पीनेस, टूअर्ड्स सॉल्वेशन. लेकिन सत्संग जी, अगर हम ये प्रोसेस, ये तरीका अपने जीवन में नहीं उतारेंगे,
तो हमें ये खुशी भी सत्संग जी प्राप्त नहीं हो पाएगी। सत्संग भक्ति ही सब सुखों की खान है, तो ये भक्ति कैसे मिले? औरों एक गुप्त मत सबों कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। समझाते हैं प्रभु राम, कहते हैं सद्गुरु के बिना मेरी कोई भी भक्ति नहीं कर पाता। अब सत्संग या शंकर जी का भावार्थ सद्गुरु से ही है, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में ही कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, यानी कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। जब तक अर्थात सद्गुरु नहीं मिलते, ना परमात्मा का ज्ञान होता है, ना भ्रम भ्रांतियाँ समाप्त होती है, और ना भक्ति होती है, ना मानव का कल्याण होता है। इसलिए सद्गुरु की जरूरत है। जो परमात्मा को अंग संग सर्वत्र दिखा देता है, वही परम गुरु होता है। आज सात संगत हमें परम गुरु सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिला, परमात्मा मिला, और ये नज़र कह उठी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। दुखी को सेवा करने छौं, सुखी को सेवा करने छौं, साना को सेवा रठूला को सेवा करने छौं, हमी करने छौं। हमी मानिसा हौं मानवता को धर्मा, कायम करने हमी निरंकारी, कायम करने हमी निरंकारी। पाचिन ओ तरगाचिन आफुने संसारा, हो सारा जगत को यो छाती भीतर माया छा पारा, हो मानव को सेवा करने छोहा सेवा करने छौ, साना को सेवा र ठूला को सेवा करने छौ, हमी करने छौ। हमी मानिसा हौ मानवता को धर्मा, कायम करने हमी निरंकारी, कायम करने हमी निरंकारी। हे दुखी को सेवा करने छौ, सेवा करने छौ, साना को सेवा र ठूला को सेवा करने छौ, हमी करने छौ। हमी मानिसा हौ मानवता को धर्मा, कायम करने हमी निरंकारी, कायम करने हमी निरंकारी। शिक्षा सतगुरु बाता हामीले पाएको, हो ईश्वर भित्र जगत सारा हामीले देखेको, हो सत्यको ज्योति बल्ने छौँ हामी, कर्म त्याग्ने छौँ त्याग्ने छौँ, पितर प्रेम गर्ने छौँ, जन जनको सेवा गर्ने छौँ, सानाको सेवा र ठुलाको सेवा गर्ने छौँ, हामी गर्ने छौँ। हामी मानिसा हौँ
करने छौ साना को सेवा र ठूला को सेवा करने छौ हामी करने छौ हामी मानिस हौ मानवता को धर्म कायम करने સંગજી આજે ત્રણ ત્રણ દિવસથી આ એક સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજની અસીમ કૃપાથી એક સુંદર નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં નજર પહોંચે ત્યાં સાસંગજી પ્રેમ પ્રેમ અને પ્રેમની વાતો. સાસંગજી, અમારા ગુજરાતની અંદર એક શબ્દ બહુ પ્રચલિત છે અને એ શબ્દ જો કાનમાં પડી જાય એટલે તમામ લોકો એના ઉપર બિલકુલ પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી દે, અને એ શબ્દનું નામ છે જૂના અને જાણીતા. અરે કોઈ જગ્યાએ જો લખેલું મળી જાય કે જૂના અને જાણીતા, ભલે મીઠાઈવાળા હોય, દુકાનવાળા હોય, કોઈ પણ હોય, પણ સાસંગજી તમામ વર્ગ એના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ કરે છે, જરૂરી છે. આવો સાસંગજી આપણે વાત કરીએ ભક્તિની. આજે આ ભક્તિ જે થઈ રહી છે કોઈ નવી નથી, આ સાસંગજી સનાતન જે ચાલતી આવેલી છે, યુગો યુગોથી સંતો મહાત્માઓ જ્યારે જ્યારે આ ધારા ઉપર આવશ્યકતા પડી, ગુરુ પીર પેગંબરો અવતાર લઈને આવ્યા, એક જ વાત સમજાવી છે કે સમયના સદગુરુથી જ પ્રભુ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જૂની વાત છે. આજે સમયના સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજ તમામ માનવીને આ સંદેશ પાઠવી રહ્યા છે કે આવો રબ કે દર્શન કર લો, સંદેશા હે ઇન્સાનાનો. સાસંગજી નવ નવ દાયકાથી બાબા બુટાસિંહજી મહારાજથી લઈને શહેનશાહ બાબા અવતારસિંહજી મહારાજ, યુગ પ્રવર્તક બાબા ગુરબચનસિંહજી મહારાજ, યુગ દ્રષ્ટા બાબા હરદેવસિંહજી મહારાજ, યુગ નિર્માતા સદગુરુ માતા શમિંદર હરદેવજી મહારાજ, અને આજ મારા સમયના સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજ સંદેશ એ જ આપી રહ્યા છે. સમયની સાથે સાસંગજી પ્રબંધ વ્યવસ્થાને અનુરૂપ એમાં પરિવર્તન અવશ્ય આવ્યું હશે. સ્થળ બદલાયું, વ્યવસ્થા બદલાઈ, પણ શિક્ષા બદલાઈ નથી. દ્વાપર હોય, સતયુગ હોય કે ત્રેતા હોય, બે અને બે ચાર ત્યારે પણ થતા હતા અને બે અને બે ચાર આજે પણ થાય છે. એ જ ભક્તિ છે. આ કોઈ નવી નથી, સનાતન ભક્તિ. આજ મારો સદગુરુ અમને સમજાવી રહ્યો છે. આવો સાસંગજી, આજે આ એક કેવો પરિવાર વસુદેવ કુટુંબકમ એક નજર આવે છે. ના કોઈની ભાષા મળે છે, ના લિબાસ, ના પહેરવેશ, ના ખાનપાન, બસ પ્યાર હી પ્યાર. પ્યારી સાસંગજી, ઇસ નિરંકાર પ્રભુ પરમાત્માને સમા આણતે હી પ્રગટ કરના સી, ઓર આપજી આજ દેખી રહ્યો કે દાસ દા જદો જન્મ હોયા સિર્ફ 50-60 મહાપુરુષ હોણગે, ઓર બાબા બૂટાસિંહજીને એની સખત તપસ્યા કીતી કે ઉનાને લબણા સી કોઈ ના કોઈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਪਰ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਸੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਹਮ ਸਭੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਇਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਂਗੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗੋ ਯੁਗੋ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਤਾ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਏ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਉਸਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਉਸਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਅਨੋਖਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਅਨੋਖਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੰਭੂ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂ, ਮਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂ, ਮਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਣਾ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਣਾ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਮੇਵੇ ਸੜ ਕੇ ਸਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਮੇਵੇ ਸੜ ਕੇ ਸਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਕਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਕਾਉਂਦਾ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜੀ, ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਂਦਾ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਾਰਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ, ਬਈ ਯੁਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਗੁਰੂ ਹਰਦੇਵ ਨੇ ਅਮੋਲਿਆ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯੁਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਣ ਗੁਰੂ ਹਰਦੇਵ ਨੇ ਮੋਲਿਆ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਯੁਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਇੰਦਰ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੌਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਇਕਾਦਰ, ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਇਕਾਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਸਕਾਰ ਵਟਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਸਕਾਰ ਵਟਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰੀਜਸ ਸੁਣਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਿਰੀ ਪਲਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਿਰੀ ਪਲਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂਦਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਵੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਹੋਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਹੋਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੋ ਜਗ ਨੂੰ ਬਈ ਮਨ ਦੀ ਹੁਜਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੋ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਹੁਜਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਆਪਣੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਸੋਹਣੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਨਵ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹੋਈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਨਵ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹੋਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਆਖਰ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਆਖਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੋਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਆਖਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੋਈ। ਮਿੱਟਿਆ ਏ ਮਨਮਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਿੱਟਿਆ ਏ ਮਨਮਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ ਹੋਈ। ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੋਈ ਕੋਮਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਮਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਮਤ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ ਆਇਆ ਜੋ ਨਾ ਥਾ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਕਤੀ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਥਾ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਕਤੀ ਵੀ ਵੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਤਾ ਆਇਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਨਾ ਥਾ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਕਤੀ ਵੀ ਵੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਤਾ ਆਇਆ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਵੇ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਵੇ ਭਗਤ ਕਦੇ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਜਗਤਾ ਆਇਆ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਦੇ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਜਗਤਾ ਆਇਆ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸਾ ਕਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸਾ ਕਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਘਨਘੋਰ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸਾ ਕਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਘਨਘੋਰ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਮਿਟਾਤਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਮਿਟਾਤਾ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਲਾ ਜੀ ਯੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਏ ਯੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਏ ਨਯਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਨਯਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਏ ਨਯਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਵਲੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕਾ ਪਾਠ ਫੇਰ ਦੋਹਰਾਤਾ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਵਲੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕਾ ਪਾਠ ਫੇਰ ਦੋਹਰਾਤਾ ਆਇਆ ਸੱਚ ਸਦਾ ਤੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਸਦਾ ਤੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗੇਲ ਬਦਲਤਾ ਕੋਨਿਆ ਕੋਨਿਆ ਸੱਚ ਸਦਾ ਤੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗੇਲ ਬਦਲਤਾ ਕੋਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੈ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਮਿਲਾਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਸਦਾ ਤੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗੇਲ ਬਦਲਤਾ ਕੋਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੈ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਮਿਲਾਤਾ ਆਇਆ ਬਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਯੋ ਹਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਯੋ ਹਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਅਰੇ ਬਿਗੜੀ ਬਾਤ ਬਣਾਤਾ ਆਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦਰ ਪਰ ਆਵੇ ਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਤਾ ਆਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੇ ਪੌਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੇ ਪੌਦੇ ਜੜ ਤੇ ਪਾੜ ਬਗਾਤਾ ਆਵੇ ਅਰ ਚੋਵਰ ਨਾਨੇ ਏਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਤਾ ਆਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੋਵਰ ਨਾਨੇ ਏਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਤਾ ਆਵੇ ਅਰ ਮਾਨਸ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀ 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 ਮਾਨਸ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣੇ ਕਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਤਾ ਆਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੇ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਮਿਲਾਤਾ ਆਵੇ ਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੇ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਮਿਲਾਤਾ ਆਵੇ ਅਰ ਬਈ ਮਾਨਵਤਾ ਕੋ ਕਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕੋ ਕਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਕੋ ਕਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਰਾਹ ਪੈ ਚਲ ਕੇ ਹਰ ਮਾਨਸ ਕੋ ਕਰਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਰਾਹ ਪੈ ਚਲ ਕੇ ਹਰ ਮਾਨਸ ਕੋ ਕਰਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੋ ਮਾਨਸ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜੀ 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 ਮਾਨਸ ਕੋ ਮਾਨਸ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਈ ਮਿਸਾਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜੀਤ ਮਿਸ਼ਨੀਓ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾ ਜੀਤ ਮਿਸ਼ਨੀਓ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਾਤਾ ਆਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੈ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਮਿਲਾਤਾ ਆਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੈ ਰਬ ਕੀ ਗੇਲ ਘਣਾ ਬੜੀਆ ਬਾਈ
नफरत निंदा के कांटे चुनता वैर के भाव मिटाता आया गफलत भरम की नींद में डूबे जग को सदा जगाता आया एक पिता की संताने हम एक पिता की संताने हम कहकर गले लगाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता सुंदर सुंदर आज वक्त की मांग यही है मिलवर्तन और प्रेम सही है जी 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 आज वक्त की मांग यही है मिलवर्तन और प्रेम सही है नफरत से नफरत कहाँ मिटी है मगर प्यार से प्रीत बढ़ी है प्रेम मांगता त्याग और संयम मानव को समझाता आया प्रेम मांगता त्याग और संयम मानव को समझाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया बोझिल सहमे से चेहरों पे जी मधुर मुस्कान सजाता आया जी जी बोझिल सहमे से चेहरों पे मधुर मुस्कान सजाता आया हर वर्ग हर भाषा मजहब हर जन को अपनाता आया बोझिल सहमे से चेहरों पे मधुर मुस्कान सजाता आया हर वर्ग हर भाषा मजहब हर जन को अपनाता आया और तंग नजरी और तंग दिली की हर दीवार मिटाता आया तंग नजरी और तंग दिली की हर दीवार गिराता आया ये जीवन जीने लायक है ये विश्वास दिलाता आया बहुत सुंदर तंग नजरी और तंग दिली की हर दीवार गिराता आया ये जीवन जीने लायक है ये विश्वास दिलाता आया और अमन की राह में जो बाधक है हाँ जी। अमन की राह में जो बाधक है मन के भ्रम मिटाता आया और मिशन प्यार का युगों युगों से भ्रम के साथ मिलाता आया। सुंदर ख्याल सुंदर और युग और सदियां बदली बेशक हाँ। जी जी मिशन का पर आधार न बदला भाई बहुत अच्छे क्या ख्याल है सुंदर युग और सदियां बदली बेशक मिशन का पर आधार न बदला भक्ति में भी भाव वही है कुछ इसमें सोच विचार न बदला बहुत सुंदर भक्ति में भी भाव वही है कुछ इसमें सोच विचार न बदला और निर्मल निश्चल पवित्र पावन संत का ये किरदार न बदला निर्मल निश्चल पवित्र पावन संत का ये किरदार न बदला और पल पल वक्त बदलने वाला खुद ये सृजनहार न बदला क्या बात है पल पल वक्त बदलने वाला खुद ये सृजनहार न बदला निर्मल निश्चल पवित्र पावन संत का ये किरदार न बदला और पल पल वक्त बदलने वाला खुद ये सृजनहार न बदला और अपना विधि विधान अपना के जी जी अपना विधि विधान अपना के धरा पे फिर विधाता आया जी जी अपना विधि विधान अपना के धरा पे फिर विधाता आया और मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया पैगंबर पैगंबर जब धरा पे आया जी जी पैगंबर जब धरा पे आया पर उपकार सिखाता आया जी 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 पैगंबर जब धरा पे आया पर उपकार सिखाता आया और मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया साथी जी जी अच्छा प्यार इबादत प्यार इबादत प्यार ही पूजा प्यार ही मुक्ति का आधार प्यार इबादत प्यार ही पूजा प्यार ही मुक्ति का आधार ये बेरंगा ये बेरूपा
निरंकार है प्यार ही प्यार। क्या बात है। और ईर्ष्या नफरत निंदा चुगली काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब के सब 84 के पक्के गहरे रिश्तेदार। ये सब के सब 84 के गहरे पक्के रिश्तेदार। गुरसिख गुरसिख गुरु की बात मानकर जीवन सफल बनाता आया और मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ आया। ये बोले या वो बोले ये बोले या वो बोले हम मानव हित में लब खोले हम। मानव हित में लब खोले हम। जागे तो हो जिक्र इसी का। जागे तो हो जिक्र इसी का सपनों में इसके होले हम। सपनों में इसके होले हम। कुछ भी बोले कुछ भी बोले ध्यान रहे ये बातों में मिश्री घोले हम। क्या बात है। क्या बात। कुछ भी बोले ध्यान रहे ये बातों में मिश्री घोले हम। फिर पछताएं कुछ ना होगा। फिर पछताएं कुछ ना होगा। कुछ ना होगा बोलन से पहले तोले हम। फिर पछताएं कुछ ना होगा बोलन से पहले तोले हम। कर्म यही हो कर्म यही हो मदन शेखपुरी। कर्म यही हो मदन शेखपुरी। धर्म यही समझाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। प्यार ही रब है प्यार ही सब है। हाँ। प्यार दा पाठ पढ़ेंदा आया। पढ़ेंदा आया। पढ़ेंदा आया। प्यार ही रब है प्यार ही सब है। प्यार दा पाठ पढ़ेंदा आया। एक रब दी है दुनिया सारी सबको ये समझेंदा आया। एक रब दी है दुनिया सारी सबको ये समझेंदा आया। रोंदे कु हसेंदा आया डटे कुवे चेंदा आया। बहुत अच्छा ख्याल है। रोंदे कु हसेंदा आया डटे कुवे चेंदा आया। विछड़े कु मिलेंदा आया उजड़े कु वसेंदा आया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विछड़े कु मिलेंदा आया उजड़े कु वसेंदा आया। मानव ताबिन मानव कुछ कहनी सबको ये दिसेंदा आया। मानव ताबिन मानव कुछ कहनी। मानव ताबिन मानव कुछ कहनी सबको ये दिसेंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तू रब दे नाल मिलेंदा आया। जी जी। 90 साल दा सफर सुनहरी। हाँ। 90 साल दा सफर सुनहरी प्रीत प्यार सत्कार सिखावे। जी 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 जी। 90 साल दा सफर सुनहरी प्रीत प्यार सत्कार सिखावे। मनमत आले मैले मन को गुरमत दा शिंगार सिखावे। क्या बात। क्या बात। मनमत आले मैले मन को गुरमत दा शिंगार सिखावे। ते जीतन वास्ते बाजी लोको ए बंदिया को हार सिखावे। बहुत खूब। जीतन वास्ते बाजी लोको ए बंदिया को हार सिखावे। ते मन झिका मत उच्ची रखो सतगुरु चज आचार सिखावे। बहुत अच्छे बहुत सुंदर। मन झिका मत उच्ची रखो सतगुरु चज आचार सिखावे। राजू गाल मने बिन गाल न बनसी। राजू गाल मने बिन गाल न बनसी सबको पिया अखेंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तू रब दे नाल मिलेंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तू रब दे नाल मिलेंदा आया। कौन ख्याल नु कलम दे जरिए कागज ते लिखवांदा आया। क्या बात है। कौन जो दिलां दियां छेड़ के तारां प्यार दे साज बजांदा आया। कौन जो जातू माड़ा सोचे मन नु है समझांदा आया। कौन जो तेरे अंदर बैठे इस दिल नु तड़कांदा आया। रब वर्गा ओ अंश है रब दी। रब वर्गा ओ अंश है रब दी। अख तों पर्दा लांदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तो रब दे नाल मिलांदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तो रब दे नाल मिलांदा आया। जी जी। गुरु दा सीख सिख मसीहा। हाँ जी हाँ जी। गुरु दा सीख सिख मसीहा मरहम सब दे लाई जांदा। उसनू हर कोई अपना लगा पानी ताही
ਪਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਘਨਈਏ ਕੋਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਘਨਈਏ ਕੋਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਂਦਾ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ 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 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ 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 ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਲਹਿਰੀ ਓਹੀਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਛੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਂਦਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਆਇਆ ਯੁਗ ਬੀਤੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆਇਆ ਯੁਗ ਬੀਤੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੀ ਹਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 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 ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ 84 ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 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 84 ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਆਖਿਰ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 84 ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਛੁਡਾ ਲਓ ਆਖਿਰ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਛੁਡਾ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 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 ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤੋ ਏਦਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਉਹ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਉਹ ਕਹਿਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜਗ ਦੱਸੇ ਰੱਬ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਂਦਾ ਜਗ ਦੱਸੇ ਰੱਬ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਜੀ ਜੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰੂਹ ਦਾ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਨੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਜੋ ਸੁੰਦਰ ਬਿਨ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਬੇਅਕਲਾ ਤੱਕਿਆ ਏ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਖਿਆਲ। ਬੇਅਕਲਾ ਤੱਕਿਆ ਏ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਲਫਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਉਲਫਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਹਤਾਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਮਸਤ ਸਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਆਇਆ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਮਸਤ ਸਦਾ ਮਸਤਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਮੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਫੋਰਮ? ਵਟ ਇਜ਼ ਪਰਪਸ? ਹੂ ਕੈਨ ਇਨਫੋਰਮ? ਵਟ ਇਜ਼ ਲਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ? ਹਾਂਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਲਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ? ਓ ਮੈਨ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਓਪਨ ਦਿਸ ਨੋਟ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਓ ਡਾਊਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਓ ਮੈਨ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਓਪਨ ਦਿਸ ਨੋਟ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਓ ਡਾਊਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਂਡ ਨੋ ਦਿਸ endless, because era to era the mission of love has united with one formless. In the journey of 90 years so many saints get the salvation. In the journey of 90 years so many saints gets the salvation. Seva, simran and satsang have been an integral part of their lives to get motivation. These three S are the keys of success in spiritual path. Seva, Simran, Satsang. These three S are the keys of success in spiritual path. But remember, divine grace of Satguru is vital in this path. These three S are the keys of success in spiritual path. But remember, divine grace of Satguru is vital in this path. Today this samagam is the message of universal brotherhood to mankind. Today this samagam is the message of universal brotherhood
to mankind, love, compassion and oneness are the strong pillars of this mission since long time. Love, compassion and oneness are the strong pillars of this mission since long time. The smiling faces of these saints can tell us what is the real bliss. The smiling faces of these saints can tell us what is the real bliss. They all are happy and enjoying, no matter they have a handful or just a fist. Wow. This lovable environment is possible only due to my Satguru's teachings. This lovable environment is possible only due to my Satguru's teachings. We all belong to one big family as per my Satguru's teachings. Oh man, this human form is the golden opportunity. Oh man, this human form is the golden opportunity to know yourself. Please don't make it useless. Oh man, this human form is the golden opportunity to know yourself. Please don't make it useless. Ashish praying to Satguru to bless everybody. Ashish praying to Satguru to bless everybody so that no soul will be left homeless. Era to era, the mission of love has united with one formless. Era to era, the mission of love has very good. रात में जो भटके राही को दीपक राह दिखाता आया रात में जो भटके राही को दीपक राह दिखाता आया शरण में आई एक एक रूह को मुर्शद राम मिलाता आया और जो निर्मल जल सतत रूप से सबकी प्यास बुझाता आया हर एक युग में गुरु ज्ञान की पावन ज्योत जगाता आया हर एक युग में गुरु ज्ञान की पावन ज्योत जलाता आया और जैसे सूरज युगों युगों से उस्ताद जी जैसे सूरज युगों युगों से जग का तिमिर मिटाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया बहुत सुंदर इस दुनिया के हर मसले पर ब्रह्म ज्ञान से हल देने का जी जी इस दुनिया के हर मसले पर ब्रह्म ज्ञान से हल देने का काम सदा ही किया मिशन ने मानवता को बल देने का बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर दुनिया के हर मसले पर ब्रह्म ज्ञान से हल देने का काम सदा ही किया मिशन ने मानवता को बल देने का और जो कोई कड़वा बोल निकाले जो कोई कड़वा बोल निकाले दे आशीषे चल देने का जो कोई कड़वा बोल निकाले दे आशीषे चल देने का रहा मिशन का सदा आचरण पत्थर खाकर फल देने का बहुत अच्छे रहा मिशन का सदा आचरण बहुत सुंदर पत्थर खाकर फल देने का बहुत बढ़िया बहुत अच्छे कुल जग के उद्धार में लाजिम हर किरदार निभाता आया मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया मिशन प्यार का क्या होता है एक सवाल हाँ जी मिशन प्यार का क्या होता है क्या कोई यह नया नाम है या फिर युगों युगों के अंदर इसका कोई अपना स्थान है हाँ जी इस विषय को लेकर विचारों की गहराइयों में मैंने कई बार गोता लगाया लेकिन हर बार एक ही तथ्य सामने आया कि मिशन प्यार जो युगों युगों से लेकर आज तक सुरखुरु है वह कुछ और नहीं केवल सतगुरु सतगुरु बहुत अच्छा वाह वाह मिशन प्यार जो युगों युगों से लेकर आज तक सुरखुरु है वह कुछ और नहीं केवल सतगुरु है क्योंकि सतगुरु ही शाश्वत है क्योंकि सतगुरु ही शाश्वत है
और यही शास्त्रों का अकाट्य मत है कि सतगुरु युगों युगों में आता है जो बिछड़ी हुई रूहों को ब्रह्म के साथ मिलाता है, इसलिए सतगुरु को केवल देह ही मत समझना। बहुत अच्छा, बहुत। इसलिए सतगुरु को केवल देह ही मत समझना। सतगुरु नर है या सतगुरु नारी है, इस शब्द के ब्रह्मजाल में नहीं आता है, नहीं आता। इस शब्द के ब्रह्मजाल में नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति ही ब्रह्म की अनुभूति है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति ही ब्रह्म की अनुभूति है। इसलिए आज यहाँ जो उक्ति है कि मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया, इस विषय पर मैंने भी ये लिख कर लाया कि सतगुर है बस मिशन प्यार का। सतगुर है बस मिशन प्यार का, यह समय सदा समझाता आया, मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। कभी राम का रूप धरा और मर्यादा सिखलाता आया, कभी राम का रूप धरा और मर्यादा सिखलाता आया, कभी मोहम्मद ईसा बनके सच का पैगाम सुनाता आया, बूटा सिंह अवतार के युग में ज्ञान के दीप जलाता आया, गुरु बचन हरदेव सविंदर बन सबको अपनाता आया, नव युग में नव रूप बदल कर संदेश वही दोहराता आया, मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। बहुत सुंदर। भर्मों में फंसकर ये मानव निज हित का ज्ञान भुला बैठा, भर्मों में फंसकर ये मानव निज हित का ज्ञान भुला बैठा, जाति नाम ओहदों में रंग कर हूँ इंसान भुला बैठा, बैठा। जाति नाम ओहदों में रंग कर हूँ इंसान भुला बैठा, घर परिवार को बांट रहा पर खुद है मेहमान भुला बैठा, घर परिवार को बांट रहा पर खुद है मेहमान भुला बैठा, सदियों की प्लानिंग करता है क्षण भंगुर है जान भुला बैठा, उसी को दुश्मन मान रहा, उसी को दुश्मन मान रहा जो सच की राह दिखाता आया, क्या बात है, मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। धरती के इस उपवन में खार है तो गुलबहार भी है ना, धरती के इस उपवन में खार है तो गुलबहार भी है ना, नफरत के अंगार है लेकिन प्यार की बहती धार भी है ना, नफरत के अंगार है लेकिन प्यार की बहती धार भी है ना, रावण का है पात्र अगर तो राम का किरदार भी है ना, अति सुंदर, बहुत सुंदर। रावण का है पात्र अगर तो राम का किरदार भी है ना, जो चाहे अपना ले अपने कर्मों पर अधिकार तो है ना, भाई वाह भाई वाह, जो चाहे अपना ले, जो चाहे अपना ले अपने कर्मों पर अधिकार तो है ना, बार बार एहसास यही 90 वर्षों से दिलाता आया, क्या बात, मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिला। परिंदा छोटा सा लहरों पे लहराता आया, शुक्राने से चहक रहा था, बात यही समझाता आया, फंस जाओगे तूफानों में दिल से याद इन्हें करना, दुनिया की तकदीर बदलने देखो भाग्य विधाता आया, दुनिया की तकदीर बदलने देखो भाग्य विधाता आया। सुंदर सुंदर। क्या मेरे किरदारों से गुर मत की खुशबू आती है, जी जी, भगत हमेशा
सोच में अपनी सबक यही दोहराता आया। जख्मों की तुम मरहम हो, खुशियों का तुम मौसम हो। क्या बात है, हर एक सुंदर, हर एक पल पे हर गुरु सिख से सतगुरु साथ निभाता आया। हर एक पल पे हर गुरु सिख से सतगुरु साथ निभाता आया। दुनिया बस बातें करती है नवप्रीत ब्रह्म दिखाने की। दुनिया बस बातें करती है नवप्रीत ब्रह्म दिखाने की। मिशन आपका युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता। नफरत मारिया बंदा डिठे जख्म ते लून घतेंदा आया। हाँ, नफरत मारिया बंदा इथे, नफरत मारिया बंदा डिठे जख्म ते लून घतेंदा आया, लेकिन रब दा प्यारा जो भी जख्म ते मलम लेंदा आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाशी जी, बहुत सुंदर, बहुत सोहना। ते पत्थर दिलां को भी ए सतगुरु प्यार नाल पिघलेंदा आया। पत्थर दिलां को भी ए सतगुरु प्यार नाल पिघलेंदा आया, सच दा ए लिशकार दिखा के झूठ दे रंग उड़ेंदा आया। के रब को जान के रब को मनो मिशन ढिंडोरा देंदा आया। रब को जान के रब को मनो मिशन ढिंडोरा देंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तू रब दे नाल मिलेंदा आया। हां जी, हां जी, ख्याल रखना जी, इरशाद साथी जी। हां जी, इरशाद। रब ने ता हर एक बंदे को प्यार दी दित्ती है प्रभात। हां, रब ने तो हर एक बंदे को, रब ने ता हर एक बंदे को प्यार दी दित्ती है प्रभात। पता नहीं दिल विच कित्थों वड़ गई नफरत आली काली रात। क्या क्या बात है, क्या बात है। पूरा रहबर ही दे सकदे सच्चे प्यार दी ए सौगात, बिन रहबर ते इवें लगदे बिंदु ले जो चढ़ी बरात। क्या भाई बाशी, क्या बात, वही वाह। सतगुर नाल इस सच्चा सौदा गुरसिख सदा करेंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा दा नाल मिलेंदा आया। एक भी ख्याल है कि एक बाग दे विच ही रांधे कोयल होवे या है कां। जी 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 जी, एक बाग दे विच ही रांधे कोयल होवे या है कां। नफरत तत्ती लू दे वांगू प्यार है लेकिन ठंडी छां। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मिशन रब दी है बंदगी सतगुर रब दा प्यारा नाम। ना, वाह। मिशन रब दी है बंदगी सतगुर रब दा प्यारा नाम। जेकू भी सतगुर मिलवेंदे हुंदा ते ठरवेंदे हां। जेकू भी सतगुर मिलवेंदे हुंदा ते ठरवेंदे हां। ही दुनिया दे अंदर सतगुर दुनिया नवी वसेंदा आया। क्या बात, दुनिया नई वसेंदा आया। ही दुनिया दे अंदर सतगुर दुनिया नवी वसेंदा आया। मिशन प्यार दा युगा युगा तू रब दे नाल मिलेंदा। रब इक गुंजलदार बुझारत, रब एक गुंजलदार बुझारत जग सारा परमांदा आया है। रब एक गुंजलदार बुझारत जग सारा परमांदा आया है। ये आपे गुंजल पाई जांदा है, आपे ही सुलझांदा है। ये आपे गुलजन पांदा आया, आपे ही सुलझांदा है। जद तक रबी आख ना मिले बंदा धोखा खांदा है। जद तक रबी आख ना मिले तब बंदा धोखा खांदा आया है। ते पूरे नू जे पूरा मिल जाए घर विच घर दिखलांदा आया। पूरे नू जे पूरा मिल जाए घर विच घर दिखलांदा आया है। ते रब दी राह ते बेमुख बंदा दर दर ठोकर खांदा है। रब दी राह ते बेमुख बंदा दर दर ठोकर खांदा आया है। मिशन प्यार दा युगा युगा तो मिलांदा आया। की कर सकदा है,
करके आप दिखाना चाहता है बंदा तो बंदा नहीं बनता ये भगवान बनाना चाहता की कर सकता है ये करके आप दिखाना चाहता है बंदा तो बंदा नहीं बनता ये भगवान बनाना चाहता है सूरत नहीं है सोच बदल के अंदर बार सिखाना सजाना चाहता है सूरत नहीं है सोच बदल सूरत नहीं है सोच बदल के अंदर बार सजाना चाहता है ते प्रीत प्यार दे प्रीत प्यार ते मिल वर्तन दा एक संसार बसाना चाहता है क्या बात है क्या बात है प्रीत प्यार ते मिल वर्तन दा एक संसार बसाना चाहता है ते प्रेम के लिंदा चाहे जिसनु ओयो शीश चुकांदा आया प्रेम खेलन दा चाहे जिसनु सूरज तपश ही बनदा आया सूरज तपश ही देंदा आया चंद ता ठंड वरतांदा आया सूरज तपश ही देंदा आया चंद ता ठंड वरतांदा आया निंदक निंदिया करदा आया भगत ता शुक्र मनांदा आया रंग रूप ते शकल है इको फितरत दोहां दी है वखरी रंग रूप ते शकल है इको फितरत दोहां दी है वखरी हंस ता मोती चुगदा आया बगला डड्डू खांदा आया पर इधर थोड़ी होर फर्क है कि प्यार खुदा है प्यार ही रब है प्यार खुदा है प्यार ही रब है दिल विच जेड़ा वसांदा आया है ओ गुरसिखी हर युग अंदर सतगुरु दे मन पांदा आया है और कुप हनेरियां रातां विच भी ना ओ लुकया ना ओ रुकया कुप हनेरियां रातां विच भी ना ओ लुकया ना ओ रुकया वांग टटेने चमक चमक के राह अपनी रोशना दा आया और इधर दी गल है युग बदले कई रूप भी बदले युग बदले कई रूप भी बदले बिरद बदलिया नहीं सतगुर दा युग बदले कई रूप भी बदले बिरद बदलिया नहीं सतगुर दा साग अलूना सुके तंदल जूठे बेर भी खांदा आया युग बदले कई रूप भी बदले बिरद बदलिया नहीं सतगुर दा साग अलूना सुके तंदल जूठे बेर भी खांदा आया और ख्याल है कि झूठ ते सच दी जंग दे अंदर झूठ हमेशा होया जख्मी सच ता यारो झूठ दे जख्मा ते भी मलहम लांदा आया सच ता यारो झूठ दे जख्मा ते भी मलहम लांदा आया और तिलकण भरियां जीवन राहां फिसलन तो बच पाया ओयो तिलकण भरियां जीवन राहां फिसलन तो बच पाया ओयो जो मुर्शद दे नक्शे पाते अपने कदम टिकांदा आया जो मुर्शद दे नक्शे पाते अपने कदम टिकांदा आया है ते बूटा बन अवतार धारिया जी जी बूटा बन अवतार धारिया वचन राजमा मिशन फैलाया बूटा बन अवतार धारिया वचन राजमा मिशन फैलाया हरदेव सविंदर रूप च सतगुर प्यार ही प्यार सिखांदा है हरदेव सविंदर रूप च सतगुर प्यार ही प्यार सिखांदा आया है और खास ख्याल है कि 90 साल ने वर्तमान दे जी जी 90 साल 90 साल हां जी हां जी 90 साल ने वर्तमान दे मिशन दी उम्र नहीं है साथी नहीं वाह वाह भाई वाह बहुत सुंदर बहुत सोहना ख्याल है 90 साल ने वर्तमान दे
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਆਇਆ 90 ਸਾਲ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰੀ ਕੀ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਹਮਦਰਦ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਕਦਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਦਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਕਦਰੀ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖੂਬ ਤੋਂ ਖੂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਸ਼ੇਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਜਿਉਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ
दुनिया के विच सुख ही सुख वरतांदा आया और आखिरी शेर जी कोर हनेरा चीर के पारस सूरज जिवें निकल गए हर दिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोर हनेरा चीर के पारस सूरज जिवें निकल गए हर दिन मिशन प्यार दा युगा युगा तो रब दे नाल मिलांदा मिशन मेरे सतगुर का फैला है फैलेगा ये ऐसा है सिलसिला जो रुका न कभी रुकेगा ये और बढ़ेगा बोलिए ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा बूटा ने था एक बूटा लगाया गुरु अवतार ने ये प्यारा सा बाग सजाया बूटा और अवतार का ये बाग बगीचा देखकर अपना लहू था बाबा बचन ने सींचा जब तक है दुनिया दुनिया में जिंदा मिशन रहेगा बोलिए ये और बढ़ेगा सभी बोलिए ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा इसको 36 वर्ष दिए हर देव गुरु ने बड़े बड़े हैं काम किए हर देव गुरु ने अंबर की बुलंदी पे पहुंचाया इसको प्यार अमन की खुशबू से महकाया इसको जब तक है दुनिया दुनिया में जिंदा मिशन रहेगा ये और बढ़ेगा बोलो ये और बढ़ेगा बोलिए ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा निर्माता सतगुरु माता जी सविंदर प्यार प्यार भरते रहे हर दिल के अंदर 90 साल से दुनिया में ये मिशन हमारा है बहाता या निर्मल ज्ञान की धारा जब तक है दुनिया दुनिया में जिंदा मिशन रहेगा ये और बढ़ेगा मिशन है सच्चाई के दीवानों का ये मिशन है तपी तपी स्वर बलिदानों का तप और त्याग की बुनियादों पे मिशन खड़ा है इसीलिए तो ये इतना बलवान हुआ है
जब तक है दुनिया दुनिया में जिंदा मिशन रहेगा बोलो ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा सतगुरु सुदीक्षा माँ का यही कथन है और भी बुलंदी पे ले जाना मिशन है एकजुट होके प्यार से सारे रहना सीखे सदा जगत में आगे ही हम बढ़ना सीखे जब तक है दुनिया दुनिया में जिंदा मिशन रहेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा मिशन मेरे सतगुरु का फैला है फैलेगा ये ऐसा है सिलसिला जो रुका न कभी रुकेगा ये और सभी बोलो ये और बढ़ेगा 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 साथ संगत 17 जुलाई 2018 से जब से सतगुरु पूज्य माता सुदीक्षा जी ने ये मिशन की बागडोर संभाली है तब से इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मिशन इतना बढ़ गया है कि अंदाज़ा ही नहीं रहा बार बार संगत का अनुशासन बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के इन्होंने स्टेप्स उठाए अनुशासन को बढ़ाया है सत्संग दास जिक्र कर रहा था कि माता जी के जो यात्राएं भी की हैं वो भी इन 16 महीनों में इस तरह से लगातार हिंदुस्तान में चाहे देख लो चाहे अब्रॉड देख लो सत्संग लगभग सारा एशिया चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फिलिपाइन हो चाहे जापान हो कोई जगह नहीं छोड़ी और ऐसे ही सत्संगत मिडिल ईस्ट में और पीछे यूरोप का कार्यक्रम तो इतना ज़्यादा हुआ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे जब इन्होंने स्पेन की तरफ जाना था जहाज़ बुक था और इन्होंने लगभग 700 किलोमीटर से ज़्यादा वो सफ़र है वो बाई रोड ही किया एक एक कोने कोने में वहाँ गए और उन तरसती हुई रूहों को दर्शन देकर निहाल कर दिया सत्संग इसी तरह से हैरान होता हूँ सच्चे पातशाह जब भी आपने रूप बदला कोई नए अंदाज में चीज़ें शुरू हो गई इनके आने के साथ गिनस वर्ल्ड गिनस बुक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वहाँ एक नया चीज़ ह्यूमन इमेज ऑफ लाइट हाउस को पिछले साल आपको सुना ही था किस तरह से इसी ग्राउंड में वो फंक्शन हुआ सत्संग इसी तरह से यूथ फोरम की बात करिए और आज दुनिया में कोई ऐसी संगत नहीं रही जहाँ यूथ फोरम ना बन गया हो और जहाँ युवा पीढ़ी जब रात दिन काम कर जाती है तो वहाँ अंधेरे रहने का मतलब भी नहीं होता सत्संगत
अपने इस ज़मीन पर आज 72वें और इस स्थान पर दूसरे समागम का अंतम पड़ा है। सेवा दल के रूप में अनेक प्रकार की जो सेवाएं सतगुरु कृपा करके हमें अवसर बख्शते हैं, उसी संबंध में दास है। कुछ ज़्यादा ना बोलता हुआ प्रार्थना करता है कि आप लाखों की संख्या में देश दूर देशों से आए लाखों संत महात्मा यहाँ जिस वक्त पहुँचे और जो आपने सतगुरु की सिखलाई का पलटावा किया है उनका धन्यवाद करने के लिए दास के पास कोई शब्द नहीं है। दास हजूर सतगुरु माता जी के चरणों में ये अरदास करता हुआ कि इन संतों ने तो आपकी सिखलाई का पलटावा दे करके हम सभी सेवा दल के अधिकारियों समेत नौजवानों का बहनों का दिल जीता हुआ है, परंतु हमें अपनी कमज़ोरियों का एहसास हो रहा है कि हम उस मेयार तक नहीं पहुंच पाते जिस मेयार पर आप हमें ले जाना चाहते हैं। दास माता जी के चरणों में समर्पण करता अपने आप को और इनके चरणों से यही भीख मांगेगा कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि सेवा दल के सभी अधिकारी बहन भाई मिल करके आपके इन प्यारे भक्तों की सेवा में दिलो जान से दिन रात पहले भी सेवा कर रहे हैं और भी बढ़ चढ़ करके जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं ये भी आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है। और वो कबीर जी के शब्द दास को ध्यान में आ रहे हैं, वो कह करके मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हो जाऊंगा। माता जी अक्सर ये कहा जाता है कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, जो किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। माता जी जो सेवा हुई है वो आपने करवाई है और जो कमियां रह गई हैं उनके लिए आपके वरदान की, आपके आशीर्वाद की, आपकी दया की, दयालुता की आवश्यकता है। और जो इन प्यारे प्यारे भक्तों के हृदयों में आपने इतना प्यार कूट कूट करके भरा हुआ है कि अपने किसी आराम की परवाह ना करते हुए हर संत हर गुरुमुख महापुरुष हंसते हुए मौसम की परवाह भी ना करते हुए आपके प्यार में रंगे हुए आज ये समागम का आनंद ले रहे हैं। हम भी सभी सेवा दल के अधिकारी नौजवान बहनें भाई बच्चे सब मिल करके आपकी इस शिक्षा को दिल में धारण करते हुए आने वाले समय में बढ़ चढ़ करके इन संतों की सेवा कमा करके अपने जीवन को कर्तारथ कर सके। सत्संगत लगातार 90 वर्षों का जिक्र हो रहा है और अब दास सतगुरु के आशीर्वाद से आपको 90 वर्ष पीछे लेकर के चल रहा है। वो दौर जो बाबा बूटा सिंह जी महाराज से शुरू हुआ, जब मिशन को इस ज्ञान की धारा में आगे बढ़ाना शुरू किया तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने अकेले ही सत्य का बीड़ा उठाया और साध संगत शहनशाह जी का दौर, बाबा गुरबचन सिंह जी का दौर, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग, उसमें कैसे कैसे महापुरुषों ने कैसे कैसे गीत लिखे और कितनी रूहानियत की मस्ती में उन गीतों को वो सतगुरु के चरणों में बैठ करके गाया भी करते थे, संगत भी सुरूर लेती थी, वो खुद भी आनंदित होते थे। आज वो सभी गीतों का एक बहुत लंबा कारवां, जिसको महापुरुषों ने नाम दिया है गुलदस्ता रूहानी गीतों का, तो ये जितने हमारे कलाकार आप जी के सामने बैठे हैं ये वो गुलदस्ता अभी आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। इस गुलदस्ते में पुराने सभी महापुरुषों के गीत हैं। इतना समय नहीं है कि उन सभी महापुरुषों का नाम दास ले पाए और ये झलकियां हैं केवल, लेकिन आज इनकी छोटी छोटी झलक जिसको हम सैंपल कहते हैं उस रूप में महात्मा प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरो राम, मेरो राम,
संग संग मेरो राम मेरो राम संग मेरो राम। और सत्संगत उसके बाद शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का दौर आरंभ हुआ, तो आओ उस दौर में चलें हम तुम जिसमें रूहानियत बरसती थी, अपने मुर्शिद को रिझाने के लिए आंख हर भक्त की तरसती थी। बज़्म में सत्संग में शहंशाह जी जब भी जलवा फरोज होते थे, प्यार की सजती महफिलें थी तब, ऐसे मंजर ही रोज होते थे। आओ उस दौर में चलें हम तुम। एक खेद है एक दिन लंबा चौड़ा लेखा नहीं कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। लोगो हम है निरंकारी, नाम के है व्योपारी, किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। लोगो हम है निरंकारी, चमन विच अज बहारा आ गया ने, चमन विच अज बहारा आ गया ने, चरण पाए जदों दे शैन शाने, चरण पाए जदों दे शैन शाने, ए हंसा दिया कतारा आ गया ने, ए हंसा दिया कतारा गया ने। चमकी 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 किस्मत चमकी रे, जदों दा बाबा ने कलंकी, चमकी 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 किस्मत चमकी रे, मिले जदों दा बाबा ने कलंकी रे। जब कुछ विच कर लिया बंद, देखो बाबे मेरे इस दरिया, जब कुछ विच कर लिया बंद, देखो बाबे मेरे इस दरिया, अनहोनी गल पई होंदी वेख दुनिया, आओ उस दौर में चले हम तुम जिसमें शायरों ने कलाम खूब कहे, बाबा गुरुबचन के जमाने में कितने फर्शी मुशायरे भी हुए, एक से एक चुनिंदा शायर महफिलें इश्क की सजाने लगे, राज माता जी भी सुनहरी कलम से लिखे गीत गुनगुनाने लगे, राज माता जी भी सुनहरी कलम से लिखे गीत गुनगुनाने लगे। बाबा जी ते शैन शादा किन्ना सोना साथ है, राज मामी नचदी दिवाली वाली रात है, वारी जा किन्ना सोना प्यार दा जान है, ओ, 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 ओ बाबा जी ते शैन शादा किन्ना सोना साथ, मेरा माही मेरे
मेरे नाल रात दिवाली दी मेरा मानी मेरे नाल रात दिवाली मेरा दीवे भरिया थाल रात दिवाली मेरा मानी मेरे नाल रात दिवाली दी अज खुशियां अज खेड़े रहमत दी होई बरसात जी अज फेर बहारा आईया सतगुर ने पाई जात जी अज फेर बहारा आईया सतगुर ने पाई जात जी अज खुशियां अज खेड़े रहमत दी होई बरसात जी अज फेर बहारा आईया सतगुर ने पाई जात जी अज फेर बहारा आईया सतगुर ने पाई जात नैना दी ज्योति ले लो हीरे ते मोती ले लो नैना दी ज्योति ले लो हीरे ते मोती ले लो फुल्ला भी ले लो मुस्कान ने खोली है दुकान जिधरों भी लंघदा जावे रहमत दामी बरसावे जिधरों भी लंघदा जावे रहमत दामी बरसावे साडे ते होया मेहरबान बाबे ने खोली है दुकान नचागी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने खुशियां मनावांगी मैं अज तेरे सामने नचागी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने रब वेखे आए दे बूहे बढ़ के अज कहने ना दुनिया नु कोठे चढ़ के रब वेखे आए दे बूहे बढ़ के अज कहने हां दुनिया नु कोठे चढ़ के गॉड इज नियर नियर वेरी डियर डियर गॉड इज नियर नियर वेरी डियर डियर हमने देखा इसे देखा इसे देखा इसे देख लिया अब छूटेगा कहां मेरा पिया देख लिया अब छूटेगा कहां मेरा पिया देख लिया अब छूटेगा कहां मेरा पिया नफीस तोहफा कर करे हम हमें कदर समझ सके हम तुम्हें खुदाया हमारी नजरों को वो नजर दे दिया है तूने नफीस तोहफा करे हम हमें कदर जहान ते तेरा बचन बचन चलती गीत गा रही नच ने बदली अचानक करवट एक फरिश्ता फलक से तब उतरा प्यार का जो के खुद मुजस्मा था जिस्म बदला था थी वही हस्ती इश्क की बसने लगी फिर बस्ती आओ उस दौर में चलें हम तुम आओ उस दौर में चलें हम गुरबचन ने जो समझते हैं कि बदला है जिस्म उनको हर देव में आता है ना नजर बाबा बचन वो नजर में वही सत्कार लिए
ताकत बेशुमार लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं। आओ उस दौर में चलें जिसमें बहता सैलाब था मोहब्बत का, प्यार के फूल जहां खिलते थे, एक अजब सिलसिला था रहमत का। वक्त बदला तो बहुत कुछ बदला, लोग मुर्शद से लो लगाने लगे, बाबा हरदेव जी के युग में कई नौजवान अपना फन दिखाने लगे, शायरी मौसिकी के रंगों से अंजुमन रोज जगमगाने लगी, बात जब बागवां की होती थी फूल कलियां भी मुस्कुराने लगी, आओ इनका जरा नजारा करें, इनके अंदाज भी निहारा करें, आओ उस दौर में चलें हम तुम, आओ उस दौर में चलें हम तुम। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, दीन दयाल देना सहारा, दीन दयाल देना सहारा, उज्ज्वल निर्मल मन हो हमारा, दीन दयाल देना सहारा, चैन की बजा दो बंसी रे, चहु और हो शांति शांति रे, चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे नफरत ना रहे, सजना वे सोनिया सजना तेरे तो जिंदवारा, तेरे नाल ने लखा ही खुशियां ते बहारा, माही वे असानू इक शौक है तेरा, माही वे असानू इक शौक है तेरा, ओ की दसिए कदों दा ए तलकी है उदों दा, की दसिए कदों दा ए तलकी है उदों दा, तैनू तकिए जदों दा आखे रोम रोम मेरा, माही वे माही वे असानू इक शौक है तेरा, माही वे असानू इक शौक है तेरा, संगड़ी है छातिर वैणी दी, 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 इक ज्ञान दा दरिया वगदा है, इक ज्ञान दा दरिया वगदा है, वेखो मौसम इस धरती दा किन्ना सोना लगदा है, संगड़ी है संगड़ी है छातर वैणी दी, संगड़ी है छातर वैणी दी, वारी वारी जावा लखवारी आया जगते, ओ आया जगते गुरु उपकारी, मैं वारी जावा लखवारी आया जगते, ओ आया जगते गुरु उपकारी, रूह कद कद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह कद कद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिला दे हनेरे, रू गद गद रू गद गद रू गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, देखे बहार के मंजर दौर यकदम खिजां का आने लगा,
एक माली चमन को छोड़ गया, यूं लगा बाग भी मुरझाने लगा। तभी रूहानी माँ सविंदर ने आके फिर बाग को संभाल लिया, एक एक फूल की हिफाजत की, सबके रंजो अलम को खुद पे लिया। बाग में फिर बहार आने लगी, टूटी कलियां भी मुस्कुराने लगी। ऐ दुनिया दिवाली सतगुरु सविंदर मैं तेरी शरण हां, अज दे पैगंबर दुनिया दिवाली सतगुरु सविंदर मैं तेरी शरण हां, अज दे पैगंबर दुनिया दिवाली। मिलता अगर ना तेरा सहारा, मुश्किल बड़ा था अपना गुजारा, मुश्किल बड़ा था अपना गुजारा। मिलता अगर ना तेरा सहारा, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। माँ सविंदर के लाखों हैं एहसान, कर नहीं पाएगा कोई भी बयां, अपने जाने से पेशतर ये किया, वक्त का नूरे नजर हमको दिया। आओ इस दौर में चलें हम तुम, आओ उस दौर में चलें हम तुम। जिसके कदमों में सर झुकाया है, इसका साया खुदा का साया है, इसका साया खुदा का साया है। इनमें हर देव है, सविंदर है, इनमें हर देव सविंदर है, इनमें हर देव है सविंदर है। नूर दोनों का ही समाया है, रूप दोनों का लौट आया, लौट आया है। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा, मेरे दिया शहनशाह तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। सब निरंकार की ही माया है, युग शहंशाह का लौट आया है। दिल से अब इनका एहतराम करें, जो ये कहते हैं अब वो काम करें। आओ इस युग में लौट आए हम, आओ इस युग में लौट आए हम। जिन्ना गुरु चरना दे नाल परीता लाया, ओ जिन्ना गुरु चरना दे नाल परीता लाया, ओ फिर जन्नत वालिया खुशियां ए दे दर तो पाया ने, फिर जन्नत वालिया खुशियां ए दे दर तो पाया ने।
ओ चिन्ना गुरु चरणा दे नाल परिता लाया चिर जन्नत वालियां खुशियां ए दर तो पाया फिर जन्नत वालियां खुशियां ए दर तो पाया सात संगत बड़ा ही खूबसूरत सफ़र जिसका निरंतर जिक्र किया जा रहा है पिछले तीन दिनों से और अभी बड़ी खूबसूरती से कुछ गीतों के ज़रिए उसको पिरोया गया और उस हर युग का एक फ्लेवर एक नॉस्टैल्जिया जो था वो हम सब ने अभी महसूस किया द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी इज़ दैट इट्स जस्ट बीन अबाउट थ्री थिंग्स Truth, love, oneness. The only thing that is talked about here is truth. The supreme truth, param satya. Sirf is param satya ki baat is dar par hoti hai aur kisi cheez ki nahi. And once we realize this truth, then we understand love in its purest essence. Pyar ka sahi matlab is such को जानने के बाद पता चलता है एंड व्हेन वी रियलाइज द ट्रू एसेंस ऑफ लव देन देयर इज नथिंग बट लव बिकॉज आई लूज माय ओन सेल्फ इन दिस सुप्रीम सुपर सोल इन द होली फीट ऑफ द सतगुरु देन आफ्टर आई हैव सरेंडर्ड आई रियलाइज दैट द ईगो दैट आई वाज कैरिंग द फॉल्स ईगो दैट आई वाज कैरिंग is of no use. I realize that in the war of egos, the winner is the biggest loser. Then I realize that I'm nothing but this supreme truth. And then my life becomes one with this Nirankar. My life becomes one with the creation of this Nirankar. Satsangat, bahut hi adbhut nazare अवश्य हम सब ने देखे होंगे इस 90 वर्ष की यात्रा में दास की ना तो कोई उम्र है ना तो कोई तजुर्बा पर ये पिछले थोड़े से समय में सतगुरु माता जी के साथ जो यात्राएं करने को मिली जो नज़ारे देखने को मिले उनको बयां तो क्या उनको अपने दिमाग में भी टिकाना सोचना एक सोच में भी पिरोना इम्पॉसिबल है अब ये एक ऐतिहासिक नज़ारा तो हम सब ने कल ही देखा जब सतगुरु स्वयं सेवा दल की वर्दी में आए और सारे ही सेवा दल को ऐसे हर्षित किया और साथ संगत वो मोमेंट सेवा दल की और सेवा भावना की इतिहास में युगों युगों तक गिना जाएगा और साथ संगत तो सुबह की बात है कि जब तैयार हो रहे थे तो समता दीदी दास के पास आए और कहते कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है दास ने कहा अच्छा तो क्या सरप्राइज़ है और साथ संगत देखा तो माता जी वर्दी में तैयार थे और साथ संगत उससे दो दिन पहले जब दिल्ली जाने का मौका मिला था हेल्थ सिटी की इनॉग्रेशन के लिए तो रूम के अंदर अचानक ही सतगुरु माता जी ने दास की सेवदल वर्दी निकाल के दास को दे दी और दास ने पूछा क्या हुक्म है महाराज कहते रैली पे पहन नहीं है मैं शायद इशारा नहीं पकड़ पाया साथ संगत निरंकार ने ख्याल जो दिया वो ये कहा शरीर तो बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं उसके लिए वस्त्र दोबारा बन सकते हैं अपनी मैं को इतना बड़ा मत कर लेना कि सेवा दल वर्दी के लिए बड़े हो जाओ कि सेवादार हो ये भूल जाओ साथ संगत पूरी रात जब तक ये वर्दी उस दिन पहनी नहीं तब तक यही ख्याल चलता रहा कि माता जी आशीर्वाद देना कि कभी इतने बड़े ना हो जाएं कि आपके सेवादार हैं ये भूल जाएं आप सारे संतों के चरणों में अपने लिए ये अरदास मांगता हुआ कि दास को कभी भी मान दूर दूर तक किसी भी रूप में ना आए हे समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार
कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी आज समागम के जहाँ तीसरे दिन आप सब इकट्ठे होकर ये सुबह से ही परमपिता परमात्मा का जो जो संत ने वर्णन किया जिस रूप में किया मैसेज यही दिया कि ये जो अलौकिक है जो अविनाशी है ये जो परमपिता परमात्मा है इसका हम ये ज्ञान ले सकते हैं हम इसी से ही उत्पन्न हुए हैं और इसी की अंश हम सब में है जो कि हम पहचान सकते हैं ये जाना जा सकता है इसको रूबरू देखा जा सकता है तो जहाँ हमने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को संवारना है वहाँ ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसकी संभाल भी ऐसे ही करनी है कि हर पल में निरंकार को डालना है ये जीवन उसी तरह आगे से आगे बढ़ाना है तो जहाँ एक भक्ति में एक भक्त होने की अवस्था आती है वो स्टार्ट ही ये ज्ञान के बाद होती है कि उससे पहले हम चाहे अगर जहाँ पे भी विश्वास रख रहे हैं अपनी आस्था रख रहे हैं चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लिया हो पर वो उनकी इनडेप्थ समझ तभी आती है जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर ये ज्ञान जब उन हम ग्रंथों से मिलाते हैं तो हमको वो समझ और वो डीपर हो जाती है और कैसे ये जो हमारी भक्ति में ये जब तक ये नम्रता ना आए ये विशालता ना आए ये विश्वास हम पक्का ना कर सकें और ऐसे जितने भी गुण हैं हमारे अंदर नहीं आ सकते पर हम उसको उस उतना अच्छे से नहीं जब तक समझ सकते तो फिर हम चाहे अपने जीवन काल में जो भी बने हैं चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ली है वो उसके सामने व्यर्थ ही होता है कि जैसे हमें अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो पढ़ाई तो बहुत कर चुका है पर उससे बात करो तो बहुत ही रूढ़ हो या वो बिल्कुल ही ऐसे खोरा बात कर रहा हो तो फिर यही बात आती है कि पहला गुण तो हमने ये नहीं देखना कि कौन कितना पढ़ रहा है पर पहला हमें ये एहसास होगा कि उससे बात करके हमको कैसा महसूस हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करने में कोई नुक्स है हम जितना पढ़ें जितना भी हम और ज्ञान प्राप्त करें संसार में वो हमको और विनम्र बना दे क्योंकि वही बात कि एक अगर उदाहरण लें कि एक माँ होती है जब उसका बच्चा अगर उससे भोजन मांगता है तो वो इसलिए उसको भोजन नहीं देती कि उसने संस्कृत या इंग्लिश में उससे खाना मांगा है पर वो इसलिए ही देती है कि उसको पता है वो बच्चे ने माँ पे पहले विश्वास किया और फिर उस विश्वास के बाद उसने वो ये रखा कि ये भूख माँ ही मेरी मिटा सकती है मुझे अन्न प्राप्त करवा कर तो वो इसलिए उस भाव की वजह से प्यार से उस बच्चे को खाना भी खिलाती है तो हमको भी अपनी भक्ति में वही विश्वास वही प्यार डालना है
तभी ये रूह की खुराक हमारी ये कुछ हो पाएगी पूरी। तो दातार सभी के ही जहाँ ये सेवा सिमरन सत्संग जीवन में इतना भर दे कि ये रूह की खुराक, ये उस तरह सत्संग रूपी खुराक तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये सिमरन जितना किया जाए उतना कम, पर हाँ वो शुरुआत हम ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ मिशन के ये 90 सालों का जिक्र हो रहा है उसमें जहाँ दासी पिछले दो दिनों से ये शुरू से ही कुछ ना कुछ, चाहे बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और आदि माता जी का जिक्र आपके चरणों में थोड़ा कर पाई, तो अब बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी की जहाँ बात हो वहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, जिन जिन को भी वो चांस मिला कि चाहे नज़दीक से या संगत रूप में, तो बस ये इतने सारी खूबियाँ जो उनके अंदर थी उसमें से ये लव, एक एम्पथी और एक पेशेंस की बात जो है वो इतनी ज़्यादा निकल के आती थी कि कैसे उन्होंने किसी को भी मिल लो, यही सुनने में आया है कि बाबा जी से हमें बहुत प्यार मिला, चाहे कभी बात भी ना की हो, सिर्फ नमस्कार की पंक्तियों में ही एक नज़र इस तरह पड़ जाए कि पूरा रोम रोम प्यार से भर जाए, तभी वो लव पर्सोनिफाइड की भी जहाँ बात आती है उनके लिए वो बिल्कुल पूरी उतरती है। जहाँ एम्पथी की बात आए वो हमेशा किसी से भी, दासी ने तो ये फर्स्ट हैंड भी देखा है, अगर कभी ऐसे होता था कि नज़दीक से चरणों पे भी नमस्कार हो रही हो या कुछ, तो कोई एक महात्मा आए वो खुशी की बात रखते कि हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी हो रही है, उसको एक मधुर मुस्कुराहट देख के जहाँ मुबारकबाद देकर उसको उस तरह उससे इंटरैक्ट होता था, बिल्कुल उन्हीं के पीछे एक ऐसा परिवार होता था जो अपना ये बताते थे कि हमारे एक बहुत ही छोटा बच्चा घर का ये भ्रमलीन हो गया है, उसने अपने जीवन काल की यात्रा समाप्त कर ली है, तो उसके साथ उसके उस रूप में दुख में भी बस एक सेकंड में वो अपने आप को उस तरह डाल देते थे। ही यूज़ टू पुट हिमसेल्फ इन एवरीबडी शूज़, कि वो ऐसे बनकर उन्हीं का ही बन के उनकी स्थिति समझ के, जहाँ वो एम्पथी की बात आती है साथ ही पेशेंस भी उनकी इतनी कमाल की कि अगर हम सब 1% भी उसका अपने जीवन में डाल लें तो बहुत अधिक पेशेंस हमारे लाइफ में आ जाएगी। ये इतनी बार दासी ने देखा कि कोई बात अगर उनको ऑलरेडी किसी एक व्यक्ति ने बता दी हो, थोड़ी देर बाद दूसरा आके भी वही सेम बात बोले, या वही व्यक्ति भूल भी गया हो कि एक दो साल पहले बता चुके हैं या कुछ समय पहले बता दिया, तो दासी ने भी कई बार एक दो बार सेम एक बात एक ही व्यक्ति जो हर बार जब मिलते बताते, तो भी दासी छोटी भी चाहे उम्र में तब थी तो एक बार ही बोल भी पड़ी कि आप ये पहले बता चुके हैं, तो फिर उनका ये समझाना और उनके अपने कर्म में ऐसे ये झलकना कि उन्होंने हर बार वही बात भी बार बार सुनने पर भी इतनी पेशेंस से वो बात सुननी जैसे पहली बार सुन रहे हों। तो ऐसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बात तो जहाँ शुरू हुए तो पूरी रात भी कम है पर अब सीमा है समय की, तो जहाँ सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की बात आती है, जहाँ उन्होंने ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का साथ उस समय से ही देते चले आ रहे हैं जब बाबा गुरबचन सिंह जी सदगुरु रूप थे, वो एक पारिवारिक रूप में जहाँ साथ उन्होंने भी दिया, उसके साथ जब बाबा हरदेव सिंह जी सदगुरु रूप में आए तो कैसे उन्होंने उस समय से हमें भी घर पे भी यही समझाना कि सदगुरु को सदगुरु ही समझो, रिश्तेदारियों में ना डालो, कि कैसे वो सबसे पहले सदगुरु हैं और उसके बाद वो पिता रूप या ऐसी और बातें समझाना, उनका अपना अपने शरीर की तबीयत ना देखते हुए जब हमारे को सत्संग रूप में एक वो अंधकार आना कि अब सदगुरु रूप हमारी आँखों से जब ओझल हो रहा था, तो उनका वो सदगुरु रूप धारण करना कि कैसे निरंकार अब उनके शरीर में ये जो सदगुरु बाबा हरदेव जी की ही डायरेक्शन से हुआ, तो कैसे ये बात भी कि सदगुरु माता जी ने उस टाइम अगर दुनियावी रूप में देखो तो वो शरीर बहुत कमज़ोर शरीर था, पर उस शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो अलौकिक थी, बहुत ही रूहानी थी, कि कैसे सदगुरु माता जी ने उस समय जब हमारा हाथ थामा और ये 36 साल से भी ज़्यादा जितनी बाबा जी के साथ उन्होंने जीवन काल किया और उसके बाद जो 2 साल हमें
ये सद्गुरु रूप में उन्होंने दिए, वो और कोई भी नहीं कर सकता था, उस तरह हमें और कोई भी नहीं संभाल सकता था। तो कैसे एक वही बात आ जाती है कि हम चाहे कितना भी शुक्र करें, इस मिशन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम अपनी तरफ से कुछ इस मिशन को वैसे दे नहीं सकते, बस इतना दे सकते हैं कि अपने अहंकार को तज दें, जो जो भी गुण, जितने भी गुण प्रतिदिन हम अपने ज़िंदगी में डाल सकें, उन गुणों को ज़रूर अपने अंदर डालें और एक दूसरे को हम जज ना करें। जिसको भी सामने देखें उसको यही रूप देखें कि ये परमात्मा का इसमें भी वास है, ये भी दिल मेरे दिल जैसा है, ये भी मूरत मेरे जैसी मूरत है। फिर हम आगे किसी को भी ना चोट पहुंचा सकते हैं, ना इंटेंशनली हर्ट कर सकते हैं, ना कोई नुकसान दे पाएंगे। फिर बस जो हमारे अंदर होगा, हमारे दिल में होगा, वो समदृष्टि, वो प्यार, वही बाहर भी निकलेगा, वो हम हर एक को देंगे। फिर हमारे मन से वो फ़र्क, काले गोरे ऊंचे नीचे, किसी भी तरह का वो फ़र्क नहीं रह जाएगा, वो बायस ख़त्म हो जाएगा। और कैसे हमने और आगे आने वाले समय में भी, ये सिर्फ चाहे 90 वर्ष की तो बात हो रही है, पर ये ज्ञान उजाला तो सदियों से रहा है, युगों युगों से रहा है। तो वो ज्ञान रूपी उजाला, ये निरंकार, इसने तो शुरू से रहा है और अंत जब पूरा ब्रह्मांड भी ख़त्म हो जाए तो भी यही रहेगा। तो उसने आगे वाले समय में भी, जहाँ हमने मिशन का इस तरह ये हाथ पकड़ना है कि आज से ही हम अपने जीवन में वो दृढ़ता ले आएं, वो जज्बा ले आएं, वो भाव ले आएं कि हमने पहले खुद को संवारना है और हमारे साथ साथ दुनिया भी अपने आप सवर जाएगी। हमें पहले अपने अंदर वो गुण लाने हैं, अपने अंदर हमें अपना दिल का वो बर्तन साफ करना है, अपनी इंटेंशंस को सही रखना है, अपने अंदर कोई नेगेटिव थॉट आते ही उस पर तवज्जो ना देना, उस पर ड्वेल नहीं करना, हमें उसको तुरंत ही दिमाग से निकालना है। हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देना है कि अगर हम अपने आप को कोई गलती करने के बाद माफ़ कर देते हैं तो हम दूसरे वाले ने अगर हमारे साथ कोई गलती करी उसका ग्रज मन में लेके क्यों बैठ जाते हैं, कि अगर हम भी अपने आप को माफ़ कर सकते हैं तो वो सामने वाला भी हमारा ही है, चाहे अपने जानकारों में हो, परिवार में हो, या जिस तरह भी हम जानते हैं। और पूरी दुनिया एक ये जो अपना ही परिवार है, चाहे उस व्यक्ति से कभी मिलना हो या ना हो, मन में हर एक के लिए फिर भी हमें प्यार और सत्कार ही रखना है कि एक एक जो भी खूबी रही। अभी हमने पिछले 3 दिनों में इतिहास को भी कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महात्मा सुनाते, कैसे कितना कुछ सीखने को है। और आगे इस मिशन को अगर हम दे सकते हैं तो वो यही कि हमने एक सच्ची तरह से ये एक निरंकारी मिशन में जो ये निरंकार की बात है, हम पहले अपने जीवन में, अपने आप में, अपने आप को खुद निरंकारी पल पल में बनाएंगे तो ही आगे हम ये आने वाली जनरेशन्स की जहाँ बात होती है उन तक भी ये संदेश ये पहुँचा सकेंगे। कि और जो भी यहाँ पे दासी कहना चाहेगी कि समागम पे सब जो आए, चाहे वो महापुरुष हों या इनवाइटेड गेस्ट्स हों या कोई भी डिपार्टमेंट्स हों जिन्होंने इतने अच्छी तरह सेवा में योगदान दिया, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट्स हों या अपने इंटरनल हमारे वर्किंग के लिए, चाहे वो सेवा दल हो, SNCF के महापुरुष हों, चाहे आप संगत रूप जिन्होंने ये सत्संग के लिए ही, सुविधा के लिए इतने महीनों से लगकर ये ग्राउंड को भी उस तरह संवारा कि आने वाले कोई दूर से आएंगे महापुरुष तो वो रात को ऐसे टेंटों में भी जब सोएंगे तो उनको सोने के समय वो कोई तकलीफ़ ना हो, वो ग्राउंड उनको ऐसे प्लेन लगे कि लेट कर कहीं शरीर में दर्द ना हो। और अन्य ऐसी कितनी सेवाएं जो मन रूप से भी करी हो अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो ऑफिशियली किसी ने ड्यूटी भी ना लगाई हो, कि अक्सर समागम सेवा के समय जब राउंड भी दासी को काटने का अवसर मिला तो यही देखा कि कोई महापुरुष, यही देखते थे कि एक महापुरुष बहुत अरसे से अगर
सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो घास काटने की थी, चाहे वो तसले में मिट्टी डाल के आगे दूसरी जगह डालने की, तो वो खुद ही देख लेते कि साथ वाले को प्यास लगी है तो वो अपनी बॉटल से उसको खुद ही दे देते। कहीं ऐसी छोटी छोटी सी भी जो सेवाएं हैं, क्योंकि सेवा ने बड़ी ना छोटी होनी है, सेवा मन का भाव है, सेवा सिर्फ वही सेवा है जो गुरु अनुसार है। और कैसे ये गुरमत में रहकर हमने ये अपने जीवन को संवारना ही है, और ये हमें सिर्फ आज की डायरेक्शंस नहीं है, कोई भी समय पकड़ लें, द्वापर त्रेता सत्युग कुछ भी, जो भी गुरु का आदेश है, जो भी निरंकार की बात करता है, वो हमारा जहाँ सबसे ज़्यादा एक हित की बात कर रहा है, तो हमने वही बात कि हम कच्चों के साथ ना रहें, पक्कों के साथ रहें, या फिर खुद इतने पक्के हो जाएं कि कोई भी कच्चा हमारे संपर्क में आए तो उसको भी पक्का कर दें। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जहाँ ये मुबारकबाद सभी को मिले कि ये 72nd समागम, जहाँ सन्त निरंकारी समागम में आप सब वो भागीदार बन पाए जो महापुरुष किसी वर्ष नहीं आ पाए, उनकी भी जहाँ हाजिरी, परिवार जो इंटरनेट पे देख रहे हैं उनकी भी ये हाजिरी यहाँ लग गई, तो दातार सभी पे कृपा करे, चाहे वो अब्रॉड से भी आए, ये कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम है या अन्य किसी रूप में भी सेवाएं जिन्होंने अर्पण करी हैं, अपने ईसी मेंबर्स जो भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप हो, चाहे सत्संग रूप, जिसने भी जो भी सेवा का योगदान दिया है, दातार हर एक के जीवन में सेवा, सुमिरन और सत्संग इतना ज़्यादा इन डेप्थ भर दे कि हर पल सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही हो हमारे लिए। हम जितनी बारी सांस लें उतनी बारी ये निरंकार का एहसास करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अगर करते हैं वो सिर्फ़ एक ही बात के लिए करते हैं कि किसी भी पल हमारे अंदर से ये निरंकार की कमी ना हो जाए। क्योंकि जब हम वो एहसास खो देते हैं तो हम उस समय के लिए बिल्कुल मनुष्य नहीं होते, हमारे विपरीत भावनाएं हमारे अंदर ये उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्य बनकर ही रहें, और ये दुनिया भी जहाँ तभी सवर पाएगी जो भी हम चेंजेस करने पाएँ, जब हम खुद का सुधार करें। तो सभी पे दातार कृपा करें कि हम स्वयं का जहाँ सुधार करें, वहीं हम हर तरह से ये तन मन धन के सब जो भी कमियाँ किसी के जीवन में हैं दातार वो पूरी करें, और अगर किसी कारण वो कमी फिर भी है तो दातार का उस हाल में भी शुक्र गुजार रहें कि ये हमारी बेहतरी के लिए ही ऐसी सिचुएशन होगी। तो सभी पे जहाँ सेवा सिमरन सत्संग के भी गुण आए, और हर तरीके से अपने आप को और निरंकार से ज़्यादा करीब करें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। Thank you.
भला करो करता सब दा भला करो करता मेरी मंग है दाता मेरी मंग है दाता तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही शरदा भक्ति प्यार बख्शो शरदा भक्ति प्यार कराम संगा दा सत्कार कराम संगा दा सत्कार